नमस्कार, जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़। पूरा देश अभी रामनवमी का पर्व श्रद्धा परंपरा के साथ मना रहा है और इस बीच में रामनवमी के पर्व के दौरान चल रहे यज्ञ अनुष्ठान के बीच अचानक एक भयानक हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में यह हादसा हुआ है, जहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान के दौरान अचानक मंदिर की छत धसने से कुएं में गिर गए हैं 25 लोग और उसमें से करीब 18 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी की छत धंसने से 13 लोगों की मौत हो गई। 40 फीट गहरी बावड़ी में 30 से ज़्यादा लोग गिरे थे। बावड़ी से कुल 11 शव निकाले गए हैं, जबकि पुलिस ने रस्सियों की मदद से 19 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी है। नगर निगम 3 पंप की मदद से पानी निकाल रहा है। आशंका है कि अभी भी कुछ लोग बावड़ी में डूबे हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू रुका नहीं है, रेस्क्यू अभी चल रहा है। हादसा सपना संगीता रोड स्थित स्नेह नगर में हवन के दौरान हुआ। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक लोग बावड़ी की छत पर बैठे थे, वजन से उसकी छत टूट गई और लोग नीचे गिर गए। यह मंदिर करीब 60 साल पुराना है। मंदिर में दर्शन करने आया एक बच्चा अब भी लापता है। कलेक्टर ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों के 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। बताया कि मंदिर परिसर में निर्माण और खुदाई का काम चल रहा है। आशंका है कि यह भी हादसे की वजह हो सकती है। कुछ रहवासियों ने चूहों के कारण कुआं खोखला होने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर में हादसे को लेकर इंदौर कलेक्टर और कमिश्नर से फ़ोन पर चर्चा की। उन्होंने पूरी जानकारी ली और रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए। इंदौर में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर में हुए हादसे से बेहद आहत हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर स्थिति की जानकारी ली।